हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इंटू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज राघव आज कवर करने जा रहा हूं आपका टॉपिक, वो रहेगा ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड होते हैं, किन एसिड को किन बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिक कह सकते हैं, मिनरल एसिड कौन से होते हैं, चलिए आइए पढ़ते हैं। आप देखेंगे बेटा, जो एसिड प्लांट्स में एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं हम उनको ऑर्गेनिक एसिड बोल दिया करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उनको अगर हम लोग देखें, इनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक को क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे कार्बनिक एसिड। ये एसिड्स जो होते हैं ये दो तरह के, मतलब एसिड को जनरली हम दो तरह के ग्रुप में बांट लेते हैं, ऑर्गेनिक और मिनरल्स। मिनरल्स यानी खनिज वाले अम्ल, और ऑर्गेनिक अम्ल कार्बनिक अम्ल। जो कार्बनिक अम्ल है ऑर्गेनिक कहलाएंगे, मिनरल्स वाले खनिज कहलाएंगे। लिख देते हैं, कार्बनिक अम्ल और ये कहलाएंगे खनिज, खनिज वाले, ठीक है ना। हम आप लगा ही लेंगे, इनके बारे में पढ़ना है हमें। चलिए देखते हैं। अब ऑर्गेनिक हमने किसको बोला, जो कहां मिलते हैं हमें, एनिमल्स में मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं। अब सर, एनिमल्स और प्लांट्स में कौन कौन से और किस किस तरह के एसिड्स आप हमको मिल जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। देखेंगे, सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल मिल जाता है, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड। आपने देखा था कि मैंने जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग वीडियोस पढ़ाई हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि नींबू के अंदर में सिट्रिक एसिड होता है। ये लैक्टिक एसिड जो मिल जाता है वो हम फटे हुए दूध के अंदर देख सकते हैं, दही के अंदर देख सकते हैं। टार्ट्रिक एसिड इमली के अंदर, टैमरिन के अंदर मिल जाता है। ऑक्जैलिक एसिड टमाटर के अंदर मिल जाता है। तो आपने मैंगो देखा, मैंगो के अलावा टैमरिन देखेंगे, टैमरिन के अलावा ऑरेंज देखेंगे, ऑरेंज के अलावा आप ग्रेप्स देखेंगे। सब में कल कहीं ना कहीं खट्टापन मौजूद होता है। तो इनके अंदर का जो खट्टापन है वो किसकी वजह से आया है, वो इन ऑर्गेनिक एसिड्स की वजह से आया है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स के इनके अंदर तो है ही, लेमन के अंदर में, ठीक है ना। आप अब आगे देखेंगे, हम लोग बात करेंगे मिनरल एसिड्स की। पर इससे पहले मैं एक दो चीज और बता दूं आपको। प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा कांटा लगता है, और कांटा लगने के बाद में आपको जलन होती है। या आप देखते हैं कि कुछ हमारे पास में कुछ एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स में जैसे बी यानी मक्खी की मैं बात करूं, मधुमक्खी की बात करूं मैं, तो वो भी क्या करती है, अगर आपको डंक मार के गई है, स्टिंग किया है उसने, तो आपको क्या होगा, वो अपनी सेल्फ डिफेंस में एक एसिड छोड़ती है। जो एसिड क्या करता है, आपको बर्निंग सेंसेशन देता है। उस एसिड का नाम होता है मिथेनोइक एसिड। और यहां बात चल रही है कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो एसिड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो वो मिथेनोइक एसिड भी किस कैटेगरी का होगा, इसी कैटेगरी का होगा। मिनरल एसिड किनको बोल दिया करते हैं, अब मिनरल एसिड के डेफिनेशन हमारे पास क्या है, खनिज वाले एसिड्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या है वो देखते हैं। ये मिनरल एसिड्स, यहां अगर आप देखेंगे, एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। हमें ये तो बताया कि सारे खनिज हमें पृथ्वी की भूपट्टी से मिलते हैं, और जो एसिड उनसे मिलकर बने होते हैं उनको मिनरल एसिड बोल दिया करते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम लेंगे, यहां एग्जाम्पल्स में सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। चलो, सल्फ्यूरिक एसिड में एच एस और ओ मिला, तो इसका जो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला था वो था H2SO4। तो इसमें एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन लगा है, एस स्टैंड फॉर सल्फर आया है, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन आया है। ये सब कहां मिलते हैं हमें, हमें एनवायरनमेंट या नेचुरली मिल जाते हैं, हमारे वातावरण के अंदर हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो एसिड बना है इन सबसे मिलकर बना है, इसलिए इसको मिनरल एसिड की कैटेगरी में रख दिया गया है। आगे आप देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसके बारे में सूचना वही HCl है, तो इसमें हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन के साथ में क्या आया है, Cl क्लोरीन आया है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, मिनरल एसिड का पार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं। तो जो वातावरण के अंदर में हमें चीजें मिलती है, एलिमेंट्स मिलते हैं, और हम उनसे क्या करते हैं कि इस तरह के एसिड बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सारे के सारे मिनरल एसिड कहलाते हैं। आगे देखेंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3, उसके बाद इस पे आप देख रहे हैं
ये सारे के सारे क्लियर हो गए कि ये क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। और कौन से वाले एसेट कहलाते हैं, मिनरल एसेट कहलाते हैं, या एक शब्द आ गया कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसेट्स। अब यहां पर इन्होंने एक शब्द यूज किया कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड को हम लोग सांद्र अवस्था भी कह देते हैं, ठीक है। आप काफी जगह देख लेंगे लिखा होता है H2SO4 और उसके आगे लिखा होता है CONC, कॉन्क। कॉन्क का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है DIL, डाइल्यूट, H2SO4, इसका मतलब हो गया डाइल्यूटेड। DIL डाइल्यूटेड यानी आप यहां देखेंगे तो सांद्र का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, यानी प्योरेस्ट फॉर्म हो गई। और कहीं कहीं डाइल्यूट भी लिखा होता है DIL डाइल्यूट, इसको बोलते हैं तनुकृत। तनुकृत का मतलब पानी का मिला हुआ, तनुकृत। तो आपको डाइल्यूट मिला, कॉन्सेंट्रेटेड मिला, तनुकृत का मतलब पानी मिला हुआ है और इसके अंदर में कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर नहीं मिला हुआ। तो यह बोला हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव के होते हैं। इन लैब्स एसिड आर जनरली मिक्स्ड विद वाटर, उसको लैब के अंदर प्रयोगशालाओं के अंदर हम इनको जनरली किसके साथ रखते हैं, पानी के साथ रखते हैं, टू डाइल्यूट देम, जिससे हम उनको तनुकृत कर सके, नॉर्मल कर सके। देन सच एसिड्स आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, और उन एसिड को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। यानी एसिड की दो अवस्थाएं मिल गई आपको, मिनरल एसिड की दो अवस्थाएं मिल गई, प्योरेस्ट जो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाती है और जिसके अंदर मिक्स फॉर्म होती है पानी के साथ में मिला हुआ डाइल्यूटेड कहलाता है। अब एक मजे की बात और आती है यहां पर, एक इंफॉर्मेशन और आपको मिल जाती है, वो ये है कि जब हम कभी भी पानी मिलाएं एसिड के साथ में, ऑलवेज एड एसिड टू वाटर टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखना, समझना है कि हमेशा आपने क्या करना है, वाटर को एसिड में, वाटर टू एसिड कभी नहीं करना। आपको क्या करना है, एसिड होगा और एसिड के अंदर आप वाटर को डालेंगे, एसिड टू वाटर, ये राइटेस्ट फॉर्म होता है, विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, यानी एक समान चाल के साथ। ये दिया एकदम से ज्यादा डाल दिया, सर इससे क्या फर्क पड़ता है, मिलना तो दोनों को ही है, एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड, फर्क क्या है। फर्क है ये जो रिएक्शन होती है डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड से जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूट बनाते हैं यानी वाटर ऐड करते हैं, तो वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या करती है, ऊष्मा को छोड़ती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ये रिएक्शन क्या करेगी, ऊष्मा को छोड़ेगी और ऊष्मा क्या कर सकती है, नुकसान कर सकती है, यानी एसिड को स्प्लैश कर सकती है, छलका सकती है, स्प्लैश आउट कर सकती है। सर वो तो दोनों में ही होगा, बिल्कुल होगा, पर यहां मैं अगर एक आम भाषा में, शुद्ध भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो वाटर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है एसिड से अभिक्रिया करने में। अगर एसिड का मोहल्ला है, अगर कंपाउंड सारा एसिड का है और वह वाटर जाएगा, तो वाटर क्या करेगा, सारे एसिड के साथ में सारे एसिड्स मिलेंगे जितने भी, सबसे रिएक्शन करने की सोचेगा, अरे मैं तो एसिड के मोहल्ले में आके सबसे रिएक्शन करूंगा, जो भी मिल रहा है एसिड का पार्टिकल उसको पकड़ के ला रहा है, मॉलिक्यूल को पकड़ के ला रहा है, रिएक्शन हो रहा है। वाटर ड्रॉपलेट में आपने मान लेते हैं कि आपने एक ड्रॉप मारा, जो 1000 मतलब आपने के बाद में एक कंपाउंड है, एक एरिया है, उस एरिया के अंदर आपका 100 या 1000 मॉलिक्यूल रखे हुए हैं। 1000 मॉलिक्यूल किसके रखे हुए हैं, एसिड के रखे हुए हैं। आपने एक ड्रॉप मारा यानी आपने क्या किया कि वो 50 मॉलिक्यूल्स वाटर के लेकर गया एक ड्रॉप और उस मोहल्ले में चला गया जहां 1000 एसिड पहले से अवेलेबल है मॉलिक्यूल्स। मैंने बताया कि वाटर बड़ा एक्साइटेड होता है रिएक्शन करने के लिए, तो वाटर क्या करेगा, सभी एसिड से एक साथ रिएक्शन करेगा, यानी 50 के 50 ने क्या किया, 50 बाकी जो एसिड थे सबसे रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया, एक ही इंस्टेंट पे, सिंगल इंस्टेंट पे रिएक्शन करेंगे। हीट भी उसी टाइम जनरेट हो जाएगी, जब हीट भी उसी टाइम जनरेट हो गई तो इंस्टेंटेनियस हीट क्या करेगी,
वो स्प्लैश कराएगी, वो छलकाएगी एसिड, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हीट क्या करेगी, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। अब जब वो एसिड फैलेगा, छलकेगा, या उस हीट की वजह से कंटेनर क्या है वो भी ब्रेक डाउन हो सकता है, वो भी फूट सकता है, तो एसिड पूरा का पूरा आपका जो एनवायरमेंट है सराउंडिंग है वहां फैल जाएगा, और हो सकता है वो आपके शरीर पर भी आए और आपको भी नुकसान पहुंचाए, आसपास की चीजों पर जाए उनको नुकसान पहुंचाए। इसीलिए बोलते हैं कभी भी आपने वाटर टू एसिड नहीं करना। जब आप बात करते हैं एसिड टू वाटर की, तो यहां पर एसिड को जाना होता है वाटर में। अब वाटर की काउंटिंग ज्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल 1000 हैं, पर एसिड 2, 4, 5 कांस्टेंट स्ट्रेन निकालो, धीरे धीरे करके 5-5 करके भेज रहे हो, पास जा रहे हैं, वाटर से रिएक्शन कर रहे, थोड़ी सी हीट निकल रही, थोड़ी सी हीट निकली तो थोड़ा वो थोड़ा सा गर्म किया पर प्रभाव नहीं डाला, फिर 5 गए, फिर उन 5 ने क्या किया, फिर से रिएक्शन की, फिर थोड़ी सी हीट निकली, यानी हीट धीरे धीरे निकल रही है और कंडीशन को एनवायरमेंट को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। वो हीट क्या कर रही है कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रही है कि वो एडजस्टेबल है। पर जब इंस्टेंटेनियस हीट निकलती है, एक ही बार में, एक ही सेकंड के इंस्टेंट पे हीट निकलती है, वो क्या करती है, ज्यादा प्रभाव डालती है। इसीलिए एसिड टू वाटर इज रिकमेंडेबल और वाटर टू एसिड रिकमेंडेबल नहीं है।